हरियाणा से ये खबर है जहां हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो हुई है और इस बैठक में 39 सीटों पर चर्चा की गई है जिसमें 34 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है। तो वहीं 41 सीटों पर कल की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जो हरियाणा से सामने आ रही है जहां 41 सीटों पर जो है वो कल की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं 39 नामों पर जो है वो मुहर लगती हुई 34 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है और 41 सीटों पर कल की बैठक में चर्चा होगी। तो हरियाणा से बड़ी खबर जहां आज की बैठक में 39 सीटों पर चर्चा हुई जिसमें 34 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने के अब अंतिम दौर में हैं और जल्द ही बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम जो दल हैं वो हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे। हरियाणा में जहां कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि सत्ता में उसकी वापसी होगी, तो वहीं बीजेपी इस बात को दोहरा रही है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी सरकार की वापसी तीसरी बार हुई, ठीक उसी प्रकार राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होगी। आनंद सिंह हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ निकला है आज कांग्रेस की इस बैठक में? जी, जैसा कि देखा जाए आज जो कांग्रेस की सीसी की बैठक हुई थी कांग्रेस मुख्यालय पे जिसको चेयर किया था पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तो ऐसे में करीब आज 49 सीटों पर डिस्कशन हुई जिनमें सारे कैंडिडेट्स के नाम इन लोगों ने डिस्कस किए और उनमें से करीब 34 सीटों पर जाके एक सहमति बन पाई है और बाकी के जो 15 सीट थे उन पे आम सहमति नहीं बन पाई। तो ऐसे में फिर से कल कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन अजय माकन है और मणिकम टैगोर श्रीनिवास बीबी इसके मेंबर्स है, तो वो लोग फिर से कल जो पार्टी के इंचार्ज है हरियाणा के दीपक बावरिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय बहान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पहले एक अनौपचारिक मीटिंग करेंगे स्क्रीनिंग कमेटी की और उसके बाद कल फिर से शाम करीब 6 बजे बैठक फिर से सीईसी की शुरू होगी कांग्रेस के दफ्तर पे ही, जिसको फिर से खड़गे चेयर करेंगे। राहुल गांधी भी वहां मौजूद रहेंगे, वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो सीईसी के मेंबर्स हैं वो उस बैठक में सम्मिलित होंगे और वहां पे फिर जो बाकी के 41 सीटें हैं और आज जो करीब 15 सीटों पे जिन पे नामों पे सहमति नहीं बन पाई, तो ऐसे में ये करीब 41 और 15 सीट जो 56 सीटें हैं कल उन पे डिस्कशन होगी और फिर उसके आने वाले 1-2 दिन के बाद फिर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। चूंकि जब मीटिंग खत्म हुई आज तो जो करीब 3 घंटे के आसपास चली थी पार्टी के दफ्तर पे यहाँ, उसके बाद दीपक बावरिया निकलते हैं और उन्होंने बताया भी कि किस तरह से करीब 49 नाम उन्होंने डिस्कशन किए और 34 पे सहमति बन गई है मगर 15 नामों पे अभी भी सहमति नहीं है। और एक चीज और है खास इसमें कि जो सिटिंग एमपीज हैं पार्टी के, कुमारी सैलजा हो और रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, जो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनके नामों पे आज चर्चा नहीं हुई और विनेश फोगट जो कि पेरिस ओलंपिक में भी अभी खेलकर लौटी थी उनके नाम पर भी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट